वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम सेल। मैं सना सैफी आज आपके लिए लेकर आई हूँ MSK 006 का सॉल्ड असाइनमेंट। ये हमारा टाइटल है भाषा विज्ञान अनुवाद एवं निबंध लेखन। ये हमारा सॉल्ड असाइनमेंट है 2021-22 के स्टूडेंट के लिए। हमारे यहाँ गेट एग्ज़ाम नोट्स, गेस्ट पेपर एंड हेल्प बुक्स प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको चाहिए तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको MSK 006 का सॉल्ड असाइनमेंट। सो हम आ गए हैं अपने सॉल्ड असाइनमेंट की ओर। ये हमारा कोड है MSK 006, जिसका टाइटल है भाषा विज्ञान अनुवाद एवं निबंध लेखन। ये हमारा सैंडी सॉल्ड असाइनमेंट है 2021-22 के स्टूडेंट के लिए। देन ये हमारा डिस्क्लेमर है। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका क्वेश्चन पेपर। सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने अपना पूरे क्वेश्चन पेपर लिखे हैं इसमें। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको इसके सॉल्यूशंस। सो ये हमारा प्रश्न नंबर एक है, जिसमें बोला गया है इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये हमारा का पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर में लिखा हुआ है। प्लीज़ आप अपने इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखिए एंड देन आंसर को ब्लू पेन से। सो इसमें बोला गया है भाषा विज्ञान का महत्व, अंग और क्षेत्र पर लेख लिखिए। सो मैं दिखाऊंगी आपको इसका आंसर, आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूँगी, आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पॉज करके भी और अपने स्क्रीनशॉट लेके भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। या फिर आपको इसका सॉल्व PDF चाहिए तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। आप देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे तरीके से मेन पॉइंट्स लिखे, देन उसके बारे में कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो यहीं तक हमारे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आगे खा पार्ट, जिसमें बोला गया है अर्थ परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालिए। सो ये हमारा आ गया आंसर। आप देख सकते हैं कि हमने अपने मेन पॉइंट्स को बोल्ड करके देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आपको भी अगर अपने एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है तो प्लीज़ इसमें से पढ़ कर जाएँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये असाइनमेंट। सो यहीं तक हमारा खा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी इसका गा पार्ट, जिसमें बोला गया है लौकिक और वैदिक संस्कृत में अंतर बताते हुए लेख लिखिए। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका आंसर। ये रहा हमारा आंसर, आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप अपनी इस वीडियो को पोस्ट करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने आंसर को लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छी तरह से अपने डिफाइन किया है अपने इस को। सो यहीं तक हमारा ग पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा गया ये खा पार्ट, जिसमें बोला गया है भाषा भारत ईरानी या हिंदी ईरानी शाखा कल पर लेख लिखिए। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका आंसर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी इस वीडियो को पोस्ट करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर को लिख सकते हैं। या फिर आपको अगर इसका सॉल्व PDF चाहिए या फिर आपको इसका हैंड एंड असाइनमेंट भी बनवाना है तो हम सब प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं तक हमारे घ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आ गया ये ना पार्ट, जिसमें बोला गया है स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण को लिखिए। सो मैं दिखाऊंगी आपको इसका आंसर, आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो लिखने में।
सो यही तक हमारे प्रश्न के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब मैं दिखाऊंगी इसका सेकंड प्रश्न, जिसमें बोला गया है निम्न में से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखिए। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। आपको अगर इसका सॉल्व पीडीएफ चाहिए या फिर आपको इसका हैंड एंड असाइनमेंट बनवाना है, तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो यहीं तक हमारे प्रश्न दो के भी ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब हमारा आ गया ये प्रश्न नंबर थ्री, जिसमें बोला गया है निम्न में से किसी एक पर हिंदी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। सो मैं दिखाऊंगी आपको इसका आंसर, ये रहा हमारा आंसर इसका। सो यहीं तक हमारे MSK006 का सॉल्व असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसका सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, तो हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको न्यू वीडियो का अपडेशन चाहिए, तो प्लीज़ हमारे इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।